हेलो फ्रेंड्स मुझ पर आपको टेक्निकल परमे चैनल को स्वागत करुच्छे। तो फ्रेंड्स देखो हाविलदार बा सिक्यूरीटी एर आपर पोस्ट वैकेंसी रही है। तो जो मैंने भी दशम पास करवल आप दशम पास करें आपने हाविलदार बा सिक्यूरीटी तरफ आपति पापर एपण चाकरी करेंगे एवं यहाँ चाहिए आम ओडिशार समस्त जिलार पाने आवेदन करेंगे और चाहिए यहाँ उभय पुरुष और महिला आवेदन करेंगे। तो जो माने भी हाविलदार बा सिक्यूरीटी तरफ निजुक्ति पाइबा चाहूँगी आवेदन करने को चाहूँ तो यहाँ केमी आवेदन करेंगे लास्ट डेट के क्वालिफिकेशन कौन रही है आपंकर जबलपुर समाज जब पोस्ट केमी हम तो मुझे वीडियो माध्यम से फुल इनफर्मेशन आपको सब जनइबी। तो दयाकर आपड़ को प्रथम शेष जाए देखते सबकि डिटेल्स जापारे और जो मैंने भी एमती जब रिलेटेड भिड आगे देखापी चाहूँगी निति चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कहीं आम एम भल भल जब्र अपडेट दे था। तो चलते फ्रेंड्स बेस डेरी नक भिड को स्टार्ट कर। तो देखो ये आपल तरफ नोटिफिकेशन रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तरफ नोटिफिकेशन रही है। तो ये आपंकर पोस्ट वैकेंसी रही है आपंकर पोस्ट नेम रही है आपंकर हाविलदार बा सिक्यूरीटी आपंकर पोस्ट वैकेंसी रही है। तो ये आपंकर टोटल पोस्ट वैकेंसी रही है आपंकर 60 ये आपंकर टोटल पोस्ट वैकेंसी रही है। तो जनरल मानी रही है आपंकर 4 पोस्ट वैकेंसी रही है एससी मानी रही है आपंकर गोटे पोस्ट वैकेंसी रही है ओबीसी मानी रही है आपंकर 2 पोस्ट वैकेंसी रही है। तो ये आपंकर एमती टोटल पोस्ट वैकेंसी रही है आपंकर 60 ये आपंकर टोटल पोस्ट वैकेंसी रही है। तो यहाँ चाहिए ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ आवेदन करेंगे और चाहिए यहाँ आम ओडिशार समस्त जिलार पाने आवेदन करेंगे और चाहिए यहाँ उभय पुरुष और महिला आवेदन करेंगे। तो तापर कथा मैं जी आप दरमा बा सैलरी केत रही। तो देखो ये आपंकर दरमा बा सैलरी रही आपंकर मसक 20,500 रु स्टार्ट करके 79,000 टंका पर्यंत मसक दरमा पारे। तो तापर कथा मैं जी आपंकर क्वालिफिकेशन कौन रही। तो देखो जदि सो आप दशम पास करवल आप दशम पास करवेदन करुक्ति पारे। तो तापर कथा मैं जी आपंकर एज लिमिट वयस सीमा केत रही दरकार। तो देखो ये आपंकर एज लिमिट वयस सीमा मैक्सिमम 28 वर्ष मध्य होते आपने आवेदन करेंगे। तो जदि सो आपंकर वयस 28 रु अधिका होने आवेदन करें। तो ये आपंकर एज लिमिट वयस सीमा विषय। तो तापर कथा मैं जी आपंकर आप्लिकेशन फिज कौन रही। तो देखो ये आपंकर आप्लिकेशन फिज रही है जनरल और ओबीसी मानी रही है आपंकर 300 टंका ये आपंकर आप्लिकेशन फिज रही है और जो मैंने भी एससी एसटी पीडब्ल्यू डी मानी रही है आपंकर कौन सी आप्लिकेशन फिज लगूना। तो यह आप मागणारे आवेदन करेंगे। तो जो मैंने भी जनरल ओबीसी से कमी पेमेंट करेंगे पेमेंट मोड कौन रही है। तो देखो यह एसबीआई द्वारा आपने पेमेंट करेंगे नेट बैंकिंग द्वारा आपने पेमेंट करें आपने क्रेडिट कार्ड द्वारा भी आपने पेमेंट कर पारे। तो ये आपंकर आप्लिकेसन फिज विषय। तो नेक्स्ट कथा मैं जी आपंकर सिलेक्शन प्रोसेस केमी कर। तो देखो ये आपंकर फिजिकाल एंडुरेन्स टेस्ट हम आपंकर रिटन टेस्ट हम। तो यही दुईटा मेथड में आपंकर सिलेक्शन प्रोसेस रही। तो जो मैंने भी यहाँ आवेदन करने को चाहूँगी तो यह कमी आवेदन करेंगे अप्लाई मोड कौन रही। तो देखो यह अफलाइन आपको आवेदन करवाक पड़ो रजिस्टर पोस्ट कि स्पीड पोस्ट साहब आपको आवेदन करवाक पड़ो आप्लिकेसन फर्म फिलअप करी। तो आपने आप्लिकेसन फर्म केव तो देखो आप्लिकेसन फर्म मुझे डिस्क्रिप्शन। तो आपने जिते बेले नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सारापर आपको तलकू आसवर अच्छे। तो तलकू आसे आपको शेष में मिल जाएगा आप्लिकेसन फर्म टी। तो आपने से आप्लिकेसन फर्म भल हिसाब से फिलअप करके आपको स्पीड पोस्ट कि रजिस्टर पोस्ट हिसाब से आपको आवेदन करवा पड़ो ऑफलाइन रे। तो तापर कथा मैं जी आपंकर जब इलेक्शन बा जब पोस्ट केवटी हम। तो देखो ये आपंकर जब इलेक्शन बा जब पोस्ट ऑल इंडिया ये आपंकर जब इलेक्शन बा जब पोस्ट रही है कहीं गोटे आपंकर सेंट्रल जब रही। तो जदि सो आउ अधिका किसी जैसे जानवाक चाहते ऑफिशियल वेबसाइट को भी आपने विजिट करेंगे bel.india.in। तो आपने ऑफिशियल वेबसाइट को जाकिने चेक भी करेंगे और यार आवेदन लास्ट डेट रही है आपंकर 24 अक्टोबर 2020 सुधा आपको आवेदन करवाक पड़ो स्पीड पोस्ट कि रजिस्टर पोस्ट हिसाब से आपको आवेदन करवाक पड़ो और आउ अधिका किसी जैसे जानवाक चाहते ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करेंगे मुझे डिस्क्रिप्शन। तो आपने से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भले हिसाब से थे पढ़ी आपने आवेदन करेंगे और जदि सो आपंकर जैसे किसी जैसे डाउट रोचे तो आपति कमेंट करूँ मुझे आपको निश्चय रिप्लाय करी। तो जदि सो भिडियोटी हेल्पफुल होता है निहाती गोटे लाइक करेंगे निजर सांगसाथी को निहाती भाव में आपने सेयार करेंगे और एमती जब रिलेटेड भिड आगक देखापी चाहूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कहीं आम एम भल भल जब्र अपडेट दे था। तो धन्यवाद नमस्कार जय जगन्नाथ।